हाय गाइस, तो आज हो रही है आज तो सुबह के रोज होती चल मम्मी बाय बाय चल दीदी अंदर जा हाय गाइस व्हाट्स अप बहुत गंदा इंट्रो है हे गाइस व्हाट्स अप हे गाइस तो क्या कर रहे हो आप लोग मैं तो यहाँ रास्ते पे खड़ा हूँ नंदिनी के साथ आप सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ पे जेरोक्स टॉप के नीचे क्या कर रहे हैं सुबह सुबह कितना बज रहा है 10 सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लोग जेरोक्स टॉप पे खड़े अब रीज़न है कि हम कहीं जा रहे हैं तो उसका वीज़ा का प्रिंट आउट निकालने आए हम लोग क्योंकि फिर बाद में वहाँ पे जाके सीन होने से अच्छा है यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना अपनी टिकट की भी हमेशा प्रिंट आउट निकालना और वीज़ा की भी प्रिंट आउट निकालना क्या बोलना चाहेगी नंदिनी तो अभी तो बहुत सारा व्लॉग आने वाला है तो ज़्यादा पकाऊंगा नहीं आप लोगों को बाय अभी हम लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में ऑफिस गुड मॉर्निंग पल्लो गुड मॉर्निंग अरे बताना नहीं हम कहाँ जा रहे तो गाइस अभी हम लोग एयरपोर्ट पे है अभी चेक इन करने वाले हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ और लोगों का सिर्फ हम लोग नहीं जा रहे कुछ और लोग भी आ रहे हैं तो लोग जैसे आएंगे तो मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगा ये इतना सारा सामान है हमारा सिर्फ हाय पल्लो आर यू एक्साइटेड एयरपोर्ट मेरे को कुछ नहीं है बट आप तुम्हारे को स्टेयर करेंगे लोग पागल जैसे गाइस पता है कभी कभी पेट में ऐसे बटरफ्लाइज आती है या ड्रैगन फ्लाइज कुछ तो आती है मुझे वो आ रही है अभी फॉर नो रीज़न ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है मे बी दिस इज एक्साइटमेंट इन प्रोसेस एक्साइटमेंट मेरे भी आ रही है बटरफ्लाई बट वो भूख की है भूख की बटरफ्लाई इसके पेट में बटरफ्लाई नहीं है इसके पेट में सब टाइप के जानवर है गाइस अभी कुछ और लोग आने वाले हैं मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बट मैं यहाँ छुपा हुआ बोर्ड के पीछे और लोग जैसे आएंगे तो मैं ऐसे कैमरा लेके सरप्राइज ऐसे करने वाला हूँ तो देखते रहो एंड वी हैव आवर टू कंटेस्टेंट्स इनकी एंट्री होने वाली है सरप्राइज अरे यार सबके लिए वेट कर रहा था मैं तो बाहर भाई जान यार क्यों पहने ट्रैक सूट मैं सोचा अपन तीनों मैं तुम सर ही साथ में पहनेंगे मेरे पास भी है ओके डोंट ट्राई टू फ्लॉन्ट इट बट इतना सारा बिजनेस क्लास राइट आई मीन बिजनेस क्लास कैसा लग रहा है पहला इंटरनेशनल ट्रिप है तेरा एक्साइटेड आई एम वेरी एक्साइटेड बहुत मजा आया रात में नींद आई थी क्या मेरा फर्स्ट और मैं इसके लिए सोया नहीं हूँ हाँ वही रात में नींद नहीं आई ना वही भी नहीं फर्स्ट टाइम है कम ऑन वेदांत आई होप ये तेरे लिए स्पेशल रहेगा बहुत ज़्यादा तो देखो जब भी मन करेगा तो मेरा व्लॉग देख लेना और फिर तेरी ट्रिप तेरे लिए मेमोरेबल रहेगी मतलब काश मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो काश मैं व्लॉग कर पाता यार ठीक है तब मैं छोटा था थोड़ा मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड में था बट ठीक है चलेगा ना अभी मजे ले लेता हूँ जितने हो सकते हैं जितना व्लॉग करना है अभी कर सकता हूँ मैं पहले बोलते कि ट्रैक सूट पहन रहे मैं भी पहनता अबे मैंने कल रात में भी बोला मैं वो बोला ट्रैक पैंट पहन आई भी ट्रैक उसने मेरे से चीटिंग की मेरे साथ बोली मेरे पास व्हाइट कलर का सेम है इससे अच्छे सिर्फ अपोजिट है तेरा ब्लैक एंड व्हाइट है मेरा व्हाइट एंड ब्लैक है तो मैं बोला ठीक है जिस दिन तू पहनेगी उस दिन मैं भी पहनूंगा और आज बोलती है अभी कि तूने पहना नहीं वीजा के पेपर्स कहाँ है वीजा के पेपर्स नहीं लाया नया लेके आया मैंने आप लोगों को बताया ना मैं प्रिंट आउट ले रहा था अभी देखिए मैं पता है मैं देखना चाहता हूँ अंदर क्या हो रहा है फूल और काटे फूल और काटे अंकल ने डांटे कैसे लग रहा है तेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है जैद भाई कैसे लग रहा है तुम्हारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है फर्स्ट नहीं कैसा लग रहा है मैं पंजाब में बहुत घूम चुका हूँ वैसे मैं पंजाब में बहुत घूम चुका हूँ मैं भी गया था मालवनी हरियाणा में हमारा गांव जो है वहाँ गए क्या वहाँ मर्ड आइलैंड
ब्लू पानी है जहाँ पे वीजा नहीं लग पाया, ब्लू पानी है ना जहाँ पे ब्लू। अरे पल्लो क्या है, पासपोर्ट के छितड़े उड़ा दिए। पल्लो कैसा लग रहा है फोटो? एसल वर्ल्ड जाके कैसा लग रहा है? यू हैव टू सी पल्लोस फोटो, आमिर खान की वाइफ। This is my passport. Only one जगह, क्योंकि मैं ज़्यादा जगह गया नहीं। This is Zed Bhai's passport. कैसा लग रहा है पहली टाइम मुंबई के बाहर जाके? बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। मैं आभारी हूँ वेदांत का। बहुत ज़्यादा भारी है क्या? सेम फीलिंग आ रही है वेदांत जैसी। नंदिनी किसके लिए फूल लेके जा रही है? लिपस्टिक लगा दी ये लाल कलर की। बट फ्लाइट में बिजनेस क्लास ही नहीं है। ये बस इसके लिए क्योंकि हम लोग को फिर लाइन स्किप करने मिलेगी। क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँगा कि वेदांत का फर्स्ट टाइम है घाट के ऊपर की बात। हेलो वेदांत, रोज फॉर यू। ये देखो ये पलोमी का फर्स्ट टाइम। मैं डरली हूँ मुझको लेकर। नहीं है, ये पूरा टाइम ये करते रहती है। चलान कटेगा आपका, बहुत जोर से चला रहे हो। पल्लो आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। तो ये खाते हैं। एंड चलो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, व्लॉग में मैं डाइट कर रहा हूँ। अरे सीरियसली डाइट कर रहा हूँ मैं दुबई में। नहीं सच में, मैंने एक हफ्ते से ना राइस खाया हो, ना राइस खाया हो, ना मैंने रोटी खाया हो, और मैंने चॉकलेट खाया हो। आई एम ऑन प्रोटीन डाइट। तो मैंने एक हफ्ते में अभी मेरा 2 kg कम हुआ है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं पतला हूँ, बट बैठे मतलब मैं पहले क्रिकेट खेलता था तो फिर फैट जमा नहीं होता था। अब बहुत बैठा रहता हूँ, ऐसे टाइम पास करता रहता हूँ। तो मेरे बेली पे बहुत सारा फैट जमा हो चुका है। एक सेकेंड, ये फैटनेस के बारे में बात मैं नहीं करूँ। अरे फिर भी मतलब जो कुछ भी है, लेकिन मतलब वो थोड़ा वीडियो फोटो में मेरे को अजीब लगता है, तो आप लोगों को भी अजीब लगता होगा। तो मैं 6 packs बनाना चाहता हूँ। मेरा कैसा लग रहा है ये बताया मैंने उन लोगों के, मैं 6 packs बना रहा हूँ। ये कब हुआ? वो हो, पलोमी इज आउट क्लीन एंड क्लियर। मुझे पता है बोला गया था कि तुम्हारे पासपोर्ट पे ना एक स्टैम्प है जिसके वजह से प्रॉब्लम होगी, टेंथ का सर्टिफिकेट लेके जाना, 12th का सर्टिफिकेट लेके जाना, ग्रेजुएशन, ये वो। कितना डरा है, कितना डरा। कुछ नहीं होता है, इमिग्रेशन वाले जिंदाबाद। अच्छा है, मतलब ज्यादा भी लीनियंट नहीं है, ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं है, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग दे चेक। और मतलब वीजा है, रिटर्न टिकट है, और क्या चाहिए यार। 10th और 12th के सर्टिफिकेट से क्या मतलब, आप पढ़ाई करने जा रहे क्या? मुझे हमको फ्लाइट पे खाना मिलेगा? हमको शायद फ्लाइट में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को डेफिनेटली अभी फूड कोर्ट में आके खा लेना चाहिए। तुम तो यार चिकन खाते नहीं हो यार। ना, मैं वेजिटेरियन हूँ। चलेगा ठीक है, अगर हम पनीर जिंदाबाद। नहीं, KFC में का चिकन मतलब जो मजा आती है ना। पनीर देख के ऐसे मन नहीं करता, पनीर तो है। हाँ मतलब अच्छा लगता है पनीर, अच्छी लगती है, बट फिर चिकन की बात अलग है यार। सो जो भी नॉन वेज जो भी पसंद करता है यार, लाइक हिट करो फटाफट आके, और जो वेज भी करता है वो भी कर सकता है। ठीक है गाइस, पनीर जिंदाबाद। कमेंट करो पनीर अच्छा है चिकन अच्छी है, तू कर सकते है। मैं ठहर, मैंने बनाया हो, तू बहुत लेट हो चुका है दोस्त। ओ दोस्त, तू बहुत लेट हो चुका है। मैंने वो ट्रेंड आने से भी बहुत पहला शायद से पिछले साल दिसंबर में बनाया था, कि मतलब मैं ऐसे चल के आ रहा था और इस पर खड़ा हुआ तो मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी। भाई क्या बोलना चाहते तुम? हम अपलोडिंग ठुमका विद उर्वशी राव दलिया। ओके, लेकिन जब तक इन लोग देखेंगे तब तक आगे क्या होगा? सो बहुत सारा व्यूज हो जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि ये आने वाला है एक हफ्ते बाद। क्योंकि मैं वापस आऊँगा फिर हर दिन एडिट कर, एक एडिट कर करके डालूंगा ना। अभी वहाँ पे दुबई में तो मज़े करूँगा, फिर तो फिर चल रेसिंग लगाते। क्या भाग बोला ना तू? चंपा गिर गया मेरा। Make your flight. अभी हम लोग बैठे हैं फ्लाइट में,
और अभी ये फ्लाइट का क्या दिखाओ, अभी बहुत बार दिखा चुका हूँ तुम लोगों को, और विंडो सीट भी नहीं है मेरी किसी और की। तो फाइनली गाइस फ्लाइट हैज टेकन ऑफ, सब अपने अपने में, ये अपना मूवी देख रही है। फाइनली हम लोग लैंड हो चुके हैं। बहुत टायरिंग थी, मतलब नींद नहीं आ रही थी, रात भर सोया नहीं था मैं। अच्छी बात है ना, चंपा पहनते बाहर बहुत दूर था। डा 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 डा, बाय बाय, थैंक यू। अभी तक देश के बाहर पैर नहीं रखा है। Come on! गोल्डन थार्ड आ रहा है, गोल्डन थार्ड। व्हाट अ लाइटिंग मैन, व्हाट अ लाइटिंग। ओह, लेस वालों को भेजता हूँ, तेरे ऐड में डालेंगे। कंटेस्टेंट नंबर 3, कंटेस्टेंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 मेंबर मिसिंग है। दो नहीं है बे, एक ही है। अच्छा, अभी फिलहाल तो एक ही, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं दुबई एयरपोर्ट के बाहर। वेदांत, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मस्त लग रहा है मेरे को, बहुत एक्साइटेड है। अच्छा वेदांत, कौन आगे बैठ रहा है? अरे वो गाड़ी। गाड़ी चलाने जा रहे थे क्या वो साइड? मैं बोल रहा हूँ पागल हो गए क्या? गाइस मस्त होटल है ये तो आज का होटल है सिर्फ। हम लोग कल होटल चेंज करने वाले, पता है ना, कल हम लोग अच्छे होटल में जाने वाले। और तो अभी मैं, नंदिनी, पलोमी और नगमा दीदी सिर्फ आए हैं, जैद भाई लोग सब आना बाकी, उन लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। पता नहीं उन लोगों को होटल नहीं मिल रहा था, बस क्या अभी गए जाएंगे, थोड़ा लेटेंगे ना। गाइज हम लोग सब रूम में आ चुके हैं, ये सब मेरे रूम में। आ जाएंगे, तेरी जगह। ये आदमी पता नहीं कहीं तो खाने ले जा रहा है, बहुत दूर चला चला के, खुद को भी नहीं पता कहाँ है, बस लेके जा रहा। खाएंगे कहाँ है जैद भाई? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, नेशन वॉन्ट्स टू नो। चलते रहो, चलते रहो। मिला क्या? मिल चुका है जगह, मिल चुका है। आक्रमण, सिग्नल आया। आक्रमण। हाय इंटरनेशनल बिल्लू, हाय। काटेगी नहीं यार, शेर है आके। सो फाइनली हम लोग ने बहुत जगह डिसाइड कर लिए, एक ये मंडी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे दो ऑप्शन थे, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा भी है और सस्ता भी है, है ना बल्लो? यहाँ पे खाना अच्छा भी और सस्ता भी है। सो वेज तो मिल जाएगा दूसरी जगह पे भी, यहाँ पे मिल रहा है, हमस मिलेगा यहाँ पे मस्त। गाइस पहले बैठ जाओ ना, फिर वॉश बेसिन जाते हैं। चलो आ जाओ, जैद भाई विंडो सीट लेते हैं। मुनाफा का, मैं मुनाफा दे सकती हूँ। बस बस बस, अल्लाह।
चम्मच क्या गरम पड़ा चटका पड़ा वेदांत के तो मुंह के अंदर है सोचो क्या हो गया तेरी गाड़ी अटक क्यों गई क्या हुआ बाहर भी आएगा बाहर आएगा मैं बता नहीं सकता ये चीज को मैंने कितना मिस किया है डाइट पे हूँ बट मैं पीऊंगा ये जी भर के डाइट करूंगा लोग सब खा रहे थे मुनाफा मैंने राइस खाया नहीं उसने छोड़ दिया उससे बोला उसको अच्छा नहीं लग रहा देख के झूठा और उसने जैद को बोला भी कि तुम चीटिंग कर रहे हो लेकिन ये पीने वाला हूँ हैव टू ट्राई दिस फोकस इस पे करना है नहीं क्या ये मेरे पे करना है पिएंगे तो मालूम पड़ेगा खोलो पियो मैं बहुत फंसी हूँ अरे बहुत मस्त है चॉकलेट मिल्क है सो क्रीमी और स्मूथ है मतलब ऐसे मजा आती है ना ये इंडिया में नहीं मिलता है रियल मराई का भगवान पुरानी पीला मार दूंगा अभी हो रहे हैं 10:17 और हम लोग जब खाना खा के आए थे उसके बाद हम लोग सीधा क्रैश हो गए मतलब कुछ देखे नहीं आस पास जो सब सीधा सो गए भी सो गई थी अच्छा हम लोग कहाँ जा रहे अभी हम बर्गर बोल रहे क्या जा रहे बर्गर बोलो जो मेरा कम ऑन पल्लो आई एम रेडी टू चीट हम लोग बर्गर खाने आए क्या फोन क्या किसी का तो बाहर वहीं गिरी ओ पड़ता था दरवाजा भी नंदिनी नींद में अभी बिना तू गई गई तुम हमारे को चीट करने लेके आए मैं डाइट पे हूँ मैं बर्गर खाना पड़ेगा दुबई से दुबई आया है और डाइट पे ऐसे तो मैं घर पे रहता नहीं है डाइट पे तू क्या झूठा है मतलब तू तू मेरे पूरे व्लॉग में सिर्फ वही बोलते रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ बस तो झूठ बोल रहा है लोगों ने हर तरह का बर्गर देखा रहेगा बट ये है सोने का बर्गर ये खास बना है मेरे डाइट को तोड़ने के लिए सीरियसली लाइक दिस इज Insane. ये क्या वॉल्केनो भी है इसके अंदर Did you get that on camera? Did you get मेरे कैमरा पे भी लगा कुछ तो फूटा वॉल्केनो फूटा वॉल्केनो ओ वो वो क्या बात है So we have Ajmal bhai here who is serving me this cheat meal which is made of gold yes So I will shit gold. Eat gold, shit gold. अब इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं बेचारे के साथ डांस भी कर रहे हैं इतनी मेहनत से उसके ऊपर गोल्ड चढ़ा हुआ है तो हम इसको खाएंगे And वो शिट खा रहा है ये लड़का बोल डैम कैसा लग रहा है सोना खा के It was a nice cheat meal. मैं अंदर ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि गाना बज रहा था तो कॉपीराइट आएगा असरी क्या है क्या बाइक है क्या बैठ उसके पीछे एक्सक्यूज दिस इज अ ये हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ऐसे स्विमिंग पूल के पास वेटिंग फॉर अदर्स टू कम बहुत अच्छा वेदर है ना मतलब अच्छा है मैंने बहुत सारे जैकेट कैरी किया मेरे को लगा था कि धूप रहेगी गर्मी रहेगी बट बहुत मस्त है प्यारा एकदम मतलब प्लेजेंट वेदर होता है ना मतलब अगर सिर्फ टी शर्ट पहन के निकलो तो प्लेजेंट नहीं है थोड़ा ठंडा लगेगा बट अगर जैकेट पहना आपने तो बहुत मजा आएगी आपको सारे कार्स मैंने पहली बार देखे इतने वो भी इतने मस्त मस्त कार्स बाइक अमेजिंग कार्स एंड बाइक्स हैं बहुत क्रेजी मैं भी इसको वही बोल रहा था कि थोड़ा व्लॉग करता हूँ बट मैंने बहुत पक पक कर चुका आज के व्लॉग में आज बहुत ज़्यादा व्लॉग हो गया हाँ नाइस कार ब्रो नाइस कार Will you give me a ride, please, sir? Yeah, of course. Ajmal, are we coming in your car? Yeah. Okay. Thank you, Ajmal bhai, for dropping us. See you tomorrow. See you tomorrow.
Where is Zed? Thank you, Zamana. Zamana. So guys, bye for now. Thank you, Zamana, for us. Yes. Call you Zamana. Yes, I am coming in your car. Come, I'll take you home. I can cook omelette for you. Our first day khatam ho gaya. Day one samapt. फिलहाल के लिए अभी दिन खत्म होता है. दिन क्या रहा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. तो सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. घंटी बजाना बोलना. यस घंटी बजा. बाय. चलो तू क्या बाय बोल रही? मैं बोलूंगा तब बाय होएगा. बाय. अभी मुझे सिर्फ गर्म पानी दिख रहा है जिससे मैं नहाने वाला हूँ. और मतलब साथ में, मतलब मैं बाहर रूम में रहूंगा, ये बाथरूम में रहेगा, फिर बाद में खत्म होगा, फिर मैं नहाऊंगा. गंदी बातें मत कर. गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही. कल आना वापस दूसरी चीजें देखने के लिए. और फिलहाल ये सिर्फ पहला दिन है, ऐसा 7 दिन और होने वाले हैं. तो मैं हर दिन का एक एक व्लॉग डालने वाला हूँ. तो बढ़ती जा रही है. मस्त जोक मारा. बाय बाय.